हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अभी जो है दो हेल आइटम्स आने वाले हैं पोकेमॉन यूनाइट में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो हेल आइटम तुम कैसे यूज़ कर सकते हो और वो कब आने वाले हैं गेम में और क्या वो हेल आइटम भी ब्रोकन ही होंगे कि नहीं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये वो दो हेल आइटम्स हैं जो आने वाले हैं तुम्हारे पोकेमॉन यूनाइट में और ये आएंगे तुम्हारे साथ, तो मतलब अभी ही आने वाले हैं, ज़्यादा लेट नहीं है। बट इसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी, तुम्हारे पोकेमॉन वाले लिख रखा था कि मे बी इसका शायद डेट चेंज हो जाए। ऐसा मेरे को लग रहा है, वैसे तो कंफर्म्ड है 7 को ही आएगा, बट मे बी उन्होंने कहा है कि शेड्यूल के हिसाब से वो चेंज भी कर सकते हैं इसकी डेट्स। तो चलो फिर पहले हेल आइटम जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि तुम उसे यूज़ कैसे कर सकते हो। तो कर्स इंसेंस जो है वो है तुम्हारा पहला हेल आइटम। तो बेसिकली कहा गया है कि ये वेपन ऐसा है कि क्या करेगा कि सामने जो पोकेमोन होगा, जैसे तुम उसको डैमेज दोगे, स्पेशल अटैक डैमेज दोगे, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा रिकवर करना अपनी हेल्थ को, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट कर देगा कि ताकि वो अपनी हेल्थ रिकवर ना कर सके। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि ये रिकमेंड करेंगे उन पोकेमोन को देंगे जिनकी या तो रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अटैक ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा है, या कंटिन्यूस अटैक दे सकते हैं, कंटिन्यूस डैमेज दे सकते हैं, मतलब बेसिकली ये कहा गया है, ठीक है। तो ये उन पोकेमोन्स के लिए यूज़ होगा। तो चलो फिर सेकेंड हेल आइटम के बारे में बात कर लेते हैं, जो तुम्हारा कर्स बैंगल। तो सामने वाला जैसे ही पोकेमोन ऑफेंसिव डैमेज से डील करेगा, मतलब उसको लाइक मिलेगा डैमेज, तो क्या होगा, इसमें भी कहा गया है कि वो ना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगा रिकवर करनी अपनी एचपी रिकवर करने में बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि ये उन पोकेमोन को देना है, उन स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को देना है जिसका या तो मूव का डैमेज बहुत ज़्यादा है, इन रेंज वाइड रेंज में अच्छा खासा डैमेज है, उन पोकेमोन को दे सकते हो या तो ये हेल आइटम यूज़ करने के लिए, मतलब उन पोकेमोन में ये हेल आइटम तुम इक्विप कर सकते हो। और कहा गया है कि ये उन पोकेमोन में भी यूज़ हो सकता है जो क्यू निकाल सके, सामने वाले पोकेमोन को मार सके बिफोर वो हील कर। चलो फिर आज की वीडियो के इतना ही। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो, एंड बाय।